क्यों नहीं आ रही है सेल्स? गलत स्टडी यूज करोगे तो यही होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ साड़ियों के बिजनेस के बारे में, मतलब टेक्सटाइल के बिजनेस के बारे में। अगर आप फेसबुक एड्स रन कर रहे हो और रिजल्ट नहीं आ रहे आपको, तो मैं आज आपको कुछ दिखाने वाला हूँ। अगर आप इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं या फिर आप इस इंडस्ट्री के ये एड्स रन कर रहे हो, तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है आपके बिजनेस से ग्रोथ के लिए। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कैसे हम साड़ियों के बिजनेस को ग्रोथ दिला सकते हैं यूजिंग फेसबुक एड्स। So, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पे मेरे कैंपेन्स और मेरे फेलियर्स को मैं आपको दिखाने वाला हूं। सो यहां पे आप देख सकते हो, हमने यहां पे एड्स रन करा था। ये हमारा मेनली 3-4 एड हमने एड रन करा हुआ था, ठीक है, जिसमें से हमारे जो कॉस्ट पर रिजल्ट देख रहे हो आप, 2000 रुपीज कॉस्ट पर रिजल्ट, 1700 रुपीज कॉस्ट पर रिजल्ट, जो कि हमारे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास एक कैंपेन, हमने प्रॉपर स्ट्रेटजी से एक कैंपेन बनाया, जिस स्ट्रेटजी के साथ आप देख सकते हो प्राइसिंग कितनी आ गई, 486 रुपीज़। अब मैं आपको प्रोडक्ट का कॉस्ट बता दूँ, प्रोडक्ट का कॉस्ट यहाँ पे हमारा है 999 से हमारा जो प्रोडक्ट कॉस्ट है वो 2599 तक हमारा टोटल प्रोडक्ट का कॉस्ट है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कोई विनिंग प्रोडक्ट नहीं था जिसको हम लोग स्केल कर पाए, ठीक है, तो हमारा सारा टेस्टिंग मेथड पे चला था। हम टेस्ट कर रहे थे कि हमें कोई एक ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए जिसको हम लोग स्केल कर पाएं। सो यहाँ पे जिसने हमें बेस्ट रिजल्ट दिए हैं, इसको मैं आपको एडसेट में लेके चलता हूँ। देन यहाँ पे हमारा एक एडसेट जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। उस एक एडसेट में हमारा जो 470 के अराउंड हमारा जो कॉस्टिंग आई थी पर प्रोडक्ट की। देन यहाँ से हमें एक बेनिफिट ये हुआ कि हमें यहाँ पे मिल गया हमारा विनिंग प्रोडक्ट, ठीक है। ये हमारा विनिंग प्रोडक्ट है जिसमें हमें रिजल्ट आना स्टार्ट हुए। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, हमें इसको करना था स्केल, और स्केल करने के लिए हमारे पास फिर एक प्रॉब्लम आई। जब हम स्केल करने गए यहाँ पे रेड एंड ब्लैक, देन यहाँ पे स्केलिंग तो हमारा हो गया, लेकिन स्केलिंग के लिए हमें प्रॉपर बजट चाहिए होता है, प्रॉपर हम स्पेंड कर पाए तब हम जाके स्केल को सक्सेसफुली कर पाएंगे, ठीक है। ये हमने किया, लेकिन एक प्रॉब्लम हमारे पास आई कि इस पर्टिकुलर अकाउंट में हमारे पास लिमिट हो चुका था, 4000 रुपीज़ से ज़्यादा ये अकाउंट स्पेंड नहीं कर रहा था। इसके लिए हमने फेसबुक टीम से बात किया, जो कि ये अकाउंट पूरा लर्न कर चुका था, लेकिन हमने हार नहीं मानी। फेसबुक कस्टमर केयर से बात करने पे उसका सॉल्यूशन नहीं मिल पाया। हमने क्या किया, एक न्यू अकाउंट स्टार्ट किया, जिस अकाउंट पे हमने फिर से एड रन करी, और उसके रिजल्ट माइंड ब्लोइंग रिजल्ट आए हैं, क्योंकि हमारा पिक्सल को हमने ट्रेन कर लिया था और हमारे पास एक विनिंग प्रोडक्ट भी था। वो रिजल्ट दिखाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलना। और अगर आपको इस तरह की सर्विसेज चाहिए हमसे, तो वो भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। कंसल्टेशन चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हो, नीचे आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा। सो चलते हैं हमारे सेकेंड अकाउंट पे, जहाँ पे हमने फिर से वो एड रन करी। ये हमारा एक एड है, हमारे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो हमारा प्रॉफिटेबल था, उस प्रोडक्ट को हमने यहाँ पे स्केल किया है। देन यहाँ पे अगर मैं आपको एडसेट्स दिखाऊं, तो यहाँ पे हमने टोटल 9 एडसेट्स में इसको डिवाइड किया हुआ था, 9 एडसेट्स यहाँ पे डिवाइड किया हुआ था। इस एडसेट को हमने स्केल किया और हमारे पास ऐसे 4 एडसेट निकल के आया जहाँ पे हमें बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड हो रहे थे। एंड यहाँ पे आप रिजल्ट देख ही सकते हो, हमने लास्ट 7 डेज में, अगर आपको दिखाऊं, लास्ट 7 डेज में हमने 189 जो है परचेसेस लाए हुए हैं, और परचेसिंग की कॉस्ट भी देख लो 140 रुपीज़ के अराउंड पड़ रहे हैं। टैक्स वगैरह जोड़ेंगे तो 150 भी आप काउंट कर सकते हो, 150 रुपीज़ एक प्रोडक्ट सेलिंग की कॉस्ट, सिर्फ और सिर्फ 150 रुपीज़। इसको कहते हैं स्केल करना। और मैंने प्रोडक्ट की कॉस्ट बताई ही आपको, कितना प्रोडक्ट का कॉस्ट है, उस बेसिस पे आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो कितना हमारा रिजल्ट आया है। और मैं आपको उसके इंटरेस्ट भी दिखा दूँ, ये सारे इंटरेस्ट तो नहीं दिखा पाऊंगा मैं, लेकिन आपको एक एक बंच ऑफ इंटरेस्ट मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो ऑब्वियसली बात है, आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलना चाहिए, और सीखने को आई थिंक मिल भी रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको कोई चीज़ मिल जाए जो आपके लिए बेस्ट काम करे, तो और क्या हो सकता है इससे अच्छा, ठीक है। सो यहाँ पे हमने वेडिंग से रिलेटेड जो है टारगेटिंग किया हुआ था, और कुछ लोकेशंस को एक्सक्लूड किया हुआ था, जो कि लोकेशन एक्सक्लूड करना पड़ता है हमें इंडिया में, क्योंकि इस लोकेशन पे हमारे पास RTO काफ़ी ज़्यादा आता है। और एक चीज़ और बता दूँ, अगर वुमेंस के कैटेगरी में काम कर रहे हो आप, तो RTO थोड़ा सा ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू मेंस की कैटेगरी में आप वर्क कर रहे हो, ठीक है। तो उस चीज को मेंटेन करोगे, अगर कॉस्टिंग कम आएगी तो ऑब्वियसली बात है आप अर्निंग अच्छा खासा कर लोगे, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करते हैं, देन यहाँ पे हमने जो है एज यहाँ तक रखा था, वुमेन हमने ये रखा था, देन यहाँ पे इंगेज, मैरिड, फैशन, ये सारे इंटरेस्ट, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले भी सकते हो।
ये हमने इंटरेस्ट टारगेटिंग करी हुई थी अपने इस पर्टिकुलर एड में एंड ऑटोमेटिक प्लेसमेंट में हमने जो है इसको रन किया था। सो ये था हमारा रिजल्ट जो कि माइंड ब्लोइंग रिजल्ट था और ऑब्वियसली बात है आप भी ऐसा रिजल्ट लेना चाहोगे तो इस तरीके से आप रिजल्ट ले सकते हो जैसे हमने यहाँ पे एड रन करा था। सो अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो पे, थैंक यू।